जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार आरजी स्टेट एग्जाम पर। आज आपका 14 नवंबर को दिल्ली पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी खत्म हुआ और आज जानेंगे हम बच्चों से कि हाँ हमने क्या कराया और आपके एग्जाम में क्या आया हुआ है और बच्चों का रिव्यू और जानते हैं। एक बार बच्चे क्या बताना चाहते हैं पेपर के बारे में, मैथ कहाँ से पूछा गया, रीजनिंग कहाँ से, जीएस का क्या लेवल रहा और कंप्यूटर का बच्चों ने किस प्रकार से अटेम्प्ट किया। तो सबसे पहले एक बच्ची से जानते हैं। हाँ भाई गुड़िया, क्या नाम आपका? आशी बधाला। मैथ के अंदर आप ये बताओ कि किस टाइप का मैथ पूछा गया था? एरिथमेटिक बेसिक ही आ रखा था। एक्चुअली मैं पुरानी स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ रैंकस गुरुकुल की, और बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। सपोज कि मेंसुरेशन से दो क्वेश्चन आ रखे थे कि आपको स्लांट हाइट दे रखी है और उससे आपको रेडियस दे रखा, हाइट दे रखी है वो उसका डबल है, ऐसे करके बहुत बहुत स्ट्रेट और बेसिक क्वेश्चन था। दूसरा भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि स्लांट हाइट निकालनी थी। और अर्थमेटिक का कैसा लेवल रहा? अर्थमेटिक का ऐसा था कि आपको लॉस परसेंटेज दे रखा है और उसका अमाउंट दे रखा है, तो आपको उससे बताना है कि गेन परसेंटेज कितना हुआ होगा, इस टाइप का था क्वेश्चन। और अलजेब्रा का एक ही क्वेश्चन था, उसमें basic, था बड़ा basic बहुत बेसिक था कि एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी थी, उससे असेंडिंग ऑर्डर में बताना था कि किस ऑर्डर में आएगा। इस तरह की मैथ्स थी, मतलब बहुत टोटल क्वेश्चन थे 15 अटेम्प्ट हो गए थे, ऐसे 14-15 आराम से हो गए। रीजनिंग का क्या लेवल? रीजनिंग बहुत बेसिक थी, बिल्कुल बेसिक थी। और जो उसकी 25 में से कितना अटेम्प्ट करके आए हो? 24। अब आगे रीजनिंग के बाद में जीएस का पोर्शन स्पेसिफिकली जानना चाहेंगे गुड़िया से। जीएस के स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के कोर क्वेश्चन आते थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे, सीधा आर्टिकल आ रखे थे स्ट्रेट एकदम, और एक क्वेश्चन इनडेप्थ आ रखा था, वो आर्टिकल 18 के इनडेप्थ आ रखा था। अब कुछ और बच्चों से रिव्यू जानते हैं बाकी सभी सब्जेक्ट के बारे में। हमने मैथ का उस गुड़िया से अच्छे से जाना। क्या नाम है भाई आपका? हरपुल शर्मा। हरपुल शर्मा जी, आप ये बताएं मुझे कि जो आप पेपर दे के अभी अभी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर निकले, तो पेपर का क्या कुछ लेवल आया हुआ था सभी सब्जेक्ट का? ओवरऑल सब्जेक्ट का पेपर का लेवल एकदम मीडियम आया था, जिसमें रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज और कंप्यूटर, इन सभी में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आए थे जितने हम लोगों ने सोच रखे थे। मैथ में ज़्यादातर आए दर्पण और छाया अंकित चित्र वालों में। नहीं नहीं, वो तो रीजनिंग का आया होगा ना? हाँ रीजनिंग का आया है वो तो, सॉरी। इधर आ जाओ। मैथ वालों में आया है ज्यादा साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और वो कहने का मतलब कंप्लीट अर्थमेटिक आया हुआ है, अंक गणित। क्या मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन पूछे गए आपकी शिफ्ट? हाँ। कितने क्वेश्चन आए हुए थे मेंसुरेशन के? क्या दो या तीन आए थे? दो या तीन क्वेश्चन आए हुए थे। और रीजनिंग का ऑल ओवर रिव्यू मांगो तो मैं, रीजनिंग का ऑल ओवर रिव्यू एकदम अच्छा था, गुड लेवल है। अच्छा अच्छा। और जीएस के अंदर सबसे ज्यादा पोर्शन करंट का, स्टैटिक का या जनरल जीएस का पूछा जाए? करंट का पूछा गया। करंट का ज्यादा पूछा। जो करंट आई वो 2023 की, 22 की या 21 की ज्यादा पूछी गई? वो तीनों की मिला के पूछी गई है, और उसमें ज्यादा ओलंपिक से संबंधित पूछे गए हैं, खेलों से संबंधित। अच्छा अच्छा। और एक बात और जानना चाहूंगा मैं, कंप्यूटर का क्या कुछ लेवल रहा भाई आपके पेपर में? कंप्यूटर का ज्यादा लेवल आया है एमएस वर्ड 2010 से और 365 से। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब कंप्यूटर का अगर हम जज करें, एवरेज बोलेंगे, टफ बोलेंगे या इजी बोलेंगे? मिडल आए हैं, टफ। अच्छा। और इजी दोनों में से। अब जैसे 100 क्वेश्चन में से मैं ये जानना चाहूँ कि आप लोग सभी बच्चे पेपर दे के निकले हो, तो जो जर्नल अटेम्प्ट रहा आप लोगों का, वो 100 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए? हमने किए हैं 90 अटेम्प्ट। 90 एक्यूरेसी जानना चाहूँ कि हाँ आप ठीक मान के, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप सभी 90 ठीक ही मान के करके आए होंगे। नहीं, हमारे हिसाब से 65 से 70 के बीच एकदम ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है भाई, मैं आप सबके लिए भगवान से दुआ करूंगा कि हाँ आप सबका एग्जाम क्लियर हो और फिजिकल के टाइम हम फिर से मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, मिलते हैं। तो हमने कुछ बच्चों से रिव्यू जाना, अब कुछ बच्चे और निकल कर आई हैं सेंटर से, इनसे और जानेंगे कि हाँ रियलिटी में पेपर का लेवल क्या था और सभी बच्चों का सिमिलर रिव्यू है या सबका डिफरेंट है। तो गुड़िया आपका नाम बताएं सबसे पहले। शिवा नाम है मेरा, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। आप मेरे को ये बताओ गुड़िया, जो आपका ऑल ओवर पेपर का रिव्यू बोले हम, पेपर एवरेज लेवल का था, मॉडरेट बोल सकते हैं जिसे, या बेसिक पेपर बोल सकते हैं, या टफ लेवल बोल सकते हैं? टफ तो नहीं था, बट मॉडरेट लेवल पे था, इतना बच्चा कर सकते हैं मतलब। अच्छा, मॉडरेट लेवल के अंदर पेपर आया हुआ था। आप सबसे पहले जीएस के अंदर जिक्र करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज पेपर के अंदर है, तो आपके जीएस की है। तो सबसे ज्यादा जीएस का पोर्शन पूछा गया, वो स्टैटिक, करंट या जर्नल जीएस? हिस्ट्री आई है, पॉलिटी आई है, करंट अफेयर तो इतना नहीं है, बट पॉलिटी और हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दे बच्चे तो ठीक है। अच्छा, और स्टैटिक के बारे में? स्टैटिक में 3-4 क्वेश्चन आए हैं, ज्यादा नहीं आए, इतने ही आए थे क्वेश्चन। अच्छा, और रीजनिंग का लेवल जानना चाहे तो जीएस के अंदर इस गुड़िया ने बताया, और इसके अलावा रीजनिंग के अंदर कंप्यूटर का लेवल और बताओ गुड़िया एक बार। ठीक था, वो एमएस एक्सेल से ज्यादा क्वेश्चन थे। कंप्यूटर को इजी बोलोगे, एवरेज बोलोगे या टफ बोलोगे? मेरे लिए तो थोड़ा टफ था। अच्छा,
अब बात करते हैं फाइनली मैथ के अंदर कि मैथ के अंदर अर्थमेटिक का पोर्शन ज्यादा आया हुआ है या एडवांस मैथ के अंदर और लेवल क्या आया हुआ है। तो अर्थमेटिक एडवांस से तो एक ही क्वेश्चन आया था, एक दो क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में, तो वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हाँ मेंसुरेशन से आया। और अर्थमेटिक का लेवल क्या रहा? अर्थमेटिक का कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला ठीक था, उसका लेवल बच्चे कर लेंगे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ऑल ओवर पेपर का आपसे ये जानूं कि 100 में से आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो कितना क्या किया आपने? मैंने 83 किया है। 83 अगर एक्यूरेसी जानूं कि 83 में से 83 आप राइट माने होंगे? नहीं 83 नहीं, बट हाँ 70-60 के अप्रोक्स जा सकते हैं। तो आप सब ने एग्जाम का रिव्यू अच्छे से जाना, अब कुछ बच्चों से और मिलवाते हैं आप लोगों को। तो एक बच्चे से और जानते हैं अब, क्या नाम है सर आपका? मेरा मुकेश चौधरी है सर नाम। कहाँ से हो सर आप? मैं जयपुर का रहने वाला, राजस्थान। ठीक है सर, आप मेरे को कंप्लीट ऑल ओवर पेपर का रिव्यू बता दो। सबसे पहले पेपर को हम इजी बोले, टफ बोले, मॉडरेट बोले, क्या बोलोगे आप? सर मीडियम था। पेपर का लेवल मीडियम बता रहा जा रहा है। अब सबसे पहले मेरे को ये बताएं, जो मैथ पूछा गया आपसे, मैथ आसान आया, डिफिकल्ट आया या एवरेज आया? सर आसान है मैथ भी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अर्थमेटिक ज्यादा पूछा गया एडवांस मैथ? दोनों में से अच्छा आता है। तो मैथ के अंदर जो आपका मेंसुरेशन का पूछा गया वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए होंगे? यस सर बिल्कुल। और कितने क्वेश्चन आए थे मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से? क्षेत्रमिति जो क्वेश्चन आए थे सर, दोनों शंकु के आए थे। दोनों शंकु के आए थे। और अर्थमेटिक जो आया आपका अंक गणित आया, उसे हम इजी बोले या टफ बोले या नॉर्मल बोले? नॉर्मल ही है सर, पेपर सबसे आसान लगा होगा आपको। और जीएस के अंदर सबसे ज्यादा स्टैटिक, करंट या जनरल जीएस पूछी गई है? सर जनरल पूछी गई है, करंट के दो क्वेश्चन आए हैं। और स्टैटिक के बारे में? स्टैटिक के बारे में जो लास्ट क्वेश्चन और बताएं भाई कि ऑल ओवर 100 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर मैंने ओवरऑल में से 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर। जो आपको बिल्कुल 84 के 84 एकदम सही भी लग रहे होंगे, है ना? नहीं सर ये तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसे तो 70 तक तो नंबर आ ही सकते हैं। चलो तो आप सब ने इतने बच्चों से जाना कि हाँ पेपर का रिव्यू असलियत में आया क्या हुआ था। तो हम 100 बच्चों से जानते तो भी पेपर का सेम रिव्यू आना था। कारण क्या है भाई, पेपर तो सभी का सेम आया था ना, तो अर्थमेटिक का और मेंसुरेशन के बारे में जाना, मैथ का ऑल ओवर रिव्यू बोला जाए, जो मैं क्लास के अंदर बोलता था पेड बैचेज के अंदर भी, जो हमारी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है वहाँ पर जिस भी बच्चे ने हमारा दिल्ली पुलिस का बैच ले रखा था, सेम टू सेम जो बोलते थे वो का वो एज इट इज आया हुआ है, कोई भी बच्चा कंपेयर करके देख सकता है। इसके अलावा यूट्यूब पर हमने जो फ्री बैचेज चलाए सेम टू सेम वहाँ से, रीज़न क्या है, क्योंकि हमने कम्प्लीट उस प्रकार से सिलेबस कराया था कि बच्चा कहीं से भी पेपर अटैम्प्ट कर सकता है, एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछे और बच्चा इजीली पेपर को निकाल देगा। कारण क्या था सर? कारण ये था कि सब कुछ इजीली सिखा दिया गया था। अगर देखा जाए बच्चे का रिव्यू, पढ़ने वाले बच्चे के लिए पेपर था एवरेज और इजी, और ना पढ़ने वाले के लिए तो भाई सब कुछ डिफिकल्ट ही डिफिकल्ट था। तो हमारे इस चैनल के ऊपर आज स्टेट एग्जाम पर सभी शिफ्ट का इसी प्रकार से रिव्यू आता रहेगा, तो सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जिस प्रकार से हम एग्ज़ाम के बारे में पहले ही स्ट्रिक्टली ये बता देते कि हाँ इस प्रकार से तैयारी करके जाए, यहीं से पेपर आपका बनेगा, उसी प्रकार से आज आप देख सकते हो और हमारी पुरानी वीडियो खोल के देख सकते हो किसी भी चैप्टर को। अगर आपके एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया तो सिंपल इंटरेस्ट की ही वीडियो ओपन करके देखो, अगर आया आपका मेंसुरेशन का तो मेंसुरेशन खोल के देखो। हमारी महा मैराथन क्लास आपके चैनल पर अपलोडेड है, जिन बच्चों के अभी एग्जाम बचे हुए हैं वो सभी बच्चे एक बार अगर उन वीडियो को भी पढ़ लेंगे ना अच्छे से, एक बार देख लेंगे तो भी आप अपने एग्जाम के अंदर इजीली पेपर को अटेम्प्ट करके आओगे। तो सभी बच्चों ने इतना प्यार दिखाया, सभी बच्चे जुड़े रहे, सभी का दिल से धन्यवाद भाई।